एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। हम साढ़े साथी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और इससे बचने के लिए शास्त्रोक्त मुख्य उपाय के बारे में जानेंगे। दर्शकों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति प्रतिकूल है तो ऐसे जातक को शनि की साढ़े साथी के दरमियान या फिर शनि की महादशा अंतरदशा के दरमियान विशेष रूप से ज़्यादा कष्टदायी समय का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी अनुकूल नहीं है तो ऐसा जातक साढ़े साथी के समय अपना आत्मविश्वास खो बैठता है और मुश्किल दौर में मुश्किल समय में उसका सामना करने का आत्मबल उसमें बहुत कम हो जाता है। दर्शकों, साढ़े साथी के दरमियान वाद विवाद, पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, आर्थिक मामलों में बिना वजह ज़्यादा विलंब होना, बाधा आना, पैसे रुकना, अपने से कनिष्ठ, अपने से जूनियर या फिर अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ रिश्तों में कड़वाहट आना, अपना लक्ष्य पूरा करने में विलंब होना, विवाह होने में बाधा आना, उच्च अभ्यास करने में भी समस्या आना, इस तरह की कई सारे मुश्किलें आती हैं। आइए जानते हैं साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मुख्य उपाय जो हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। सबसे पहला उपाय है, किसी भी शुभ मुहूर्त में शनि यंत्र का अपने घर पर स्थापन करें, शनि यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करें और हर शनिवार के दिन उस शनि यंत्र के सामने बैठकर शनि मंत्र का जाप करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, यंत्र के सामने सरसों के तेल या फिर किसी भी प्रकार के कड़वे तेल का दिया शुरू करें और हनुमान जी की उपासना करें। आइए अब जानते हैं दूसरा उपाय। दर्शकों, साढ़े साथी या फिर शनि से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से मुक्ति पाने का एक दूसरा अत्यंत लाभदायी उपाय है, शनि का व्रत धारण करना। इस शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके आपको शिव जी की उपासना या फिर हनुमान जी की उपासना करनी है। उसके बाद में अपने घर पर स्थापित शनि यंत्र के सामने बैठकर शनि मंत्र का जाप करना है। इस व्रत के अनुसार आपको हर शनिवार शनि मंदिर जाकर शनि की लोहे की प्रतिमा को तेल चढ़ाना है और सूर्यास्त के समय पर ही भोजन करना है या फिर सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना है। इसके साथ साथ शनि व्रत की कथा का भी आपको पाठ करना है और शनिवार के व्रत के अंतर्गत भोजन से पहले कम से कम 3 माला शनि के मंत्र का जाप आपको करना है। कम से कम 11 शनिवार तक यह शनि का व्रत आपको धारण करना चाहिए और व्रत पूरा होने के बाद शनि से जुड़े हुए द्रव्य का आपको दान करना चाहिए। साढ़े साथी से या फिर शनि के अशुभ प्रभाव से बचने का और एक महत्वपूर्ण उपाय है, यदि आप किसी भी शुभ मुहूर्त में या फिर सोमवार के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो तो उससे भी साढ़े साथी के अशुभ प्रभाव से या फिर शनि के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।